नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब गेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ओटीए की बड़ी भर्ती के बारे में, यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की बड़ी भर्ती के बारे में। दोस्तों, इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाओगे जो इस चैनल के माध्यम से आपको शेयर की जाती है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया के हर क्षेत्र की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन अपडेट सबसे पहले दी जाती है। आज की भर्ती के लिए दोस्तों, आप इंडिया में कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज की इस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। दोस्तों, स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से अप्लाई करना है। और आइए बात कर लेते हैं इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जी दोस्तों, ये भर्ती होने जा रही है ओटीए में, यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में। दोस्तों, ये भर्ती होने जा रही है। ये इंडियन आर्मी की एक संस्था है दोस्तों, और यहाँ पे ऑफिसर्स का ट्रेनिंग होता है। दोस्तों, इसको हिंदी में बोला जाता है अधिकारी प्रशिक्षण एकेडमी। दोस्तों, इसमें सीधी भर्ती होनी जा रही है, बड़ी भर्ती होनी जा रही है दोस्तों। और इसमें पोस्ट के नाम है सिविल मोटर ड्राइवर, ऑर्डनरी ग्रेड, एमटीएस चौकीदार, एमटीएस गार्डनर, एमटीएस सफाई वाला, एमटीएस मैसेंजर, स्टोरमैन, फोटो स्टेट ऑपरेटर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, मसालची, कुक, साइकिल रिपेयरर, कैडेट ऑर्डरली, बारबर, कारपेंटर, वाशरमैन, टेलर। और इसके अलावा दोस्तों, और भी पोस्ट की भर्ती होने जा रही है। और इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास या 12वीं पास। टोटल 80 के करीब इसमें वैकेंसी है दोस्तों। जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपको लेवल एक की सैलरी मिलेगी। आपका पे स्केल होगा 18,000 रुपये से लेके 56,900 रुपये। दोस्तों, इस भर्ती में ज़्यादा सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें रिटन टेस्ट होगा तथा ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों। और इस भर्ती के लिए जहाँ तक अप्लाई मोड की बात है तो जैसे बताया कि आपको इस भर्ती के लिए ऑफलाइन अप्लाई करना है, यानी कि फॉर्म भर के अप्लाई करना है दोस्तों। उसके बाद आपको अपनी एप्लीकेशन रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजनी है या स्पीड पोस्ट से भेजनी है। दोस्तों, इस भर्ती से रिलेटेड आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जी हाँ दोस्तों, ये राज भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। पहली वैकेंसी है कैडेट ऑर्डरली की, इसमें 13 वैकेंसी है दोस्तों। दूसरी वैकेंसी है ग्राउंड्समैन की, इसमें 3 वैकेंसी है। और तीसरी वैकेंसी है बारबर की, इसमें 1 वैकेंसी है दोस्तों। इन तीनों पोस्ट के लिए आपका पे स्केल होगा 18,000 से लेके 56,900। और इन तीनों पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास। दोस्तों, वैकेंसी नंबर 4 है कारपेंटर की, इसमें केवल 2 वैकेंसी है दोस्तों। और इस पोस्ट के लिए आपका पे स्केल होगा 19,900 से लेके 63,200। और इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास। साथ ही साथ आपके पास रिलेटेड सर्टिफिकेट होना चाहिए या 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसी नंबर 5 है सिनेमा प्रोजेक्शनिस्ट की, इसमें 1 वैकेंसी है दोस्तों केवल। और इसमें आपका पे स्केल होगा 19,900 से लेकर 63,200। इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की 10वीं पास तथा साथ ही साथ आपके पास रिलेटेड ट्रेड का डिप्लोमा होना चाहिए। दोस्तों, वैकेंसी नंबर 6 है सिविल मोटर ड्राइवर की, ऑर्डनरी ग्रेड की दोस्तों ये भर्ती है। और इसमें 8 वैकेंसी है दोस्तों। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास। साथ ही साथ आपके पास दोस्तों सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों, हैवी मोटर व्हीकल का। और साथ ही साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए दोस्तों। वैकेंसी नंबर 7 है कुक की, कुक में दोस्तों 14 वैकेंसी है। और आपका पे स्केल होगा 19,900 से लेकर 63,200। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10वीं पास। साथ ही साथ दोस्तों आपको इंडियन कुकिंग का भी नॉलेज होना चाहिए और आपकी अच्छी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इस ट्रेड में। दोस्तों, वैकेंसी नंबर 8 है साइकिल रिपेयर की, यानी कि साइकिल रिपेयर करने वाले की। और इसमें 3 वैकेंसी है दोस्तों। आपका बेसिक होगा दोस्तों, आपकी जो सैलरी होगी पे स्केल होगा 18,000 से लेके 56,900 होगा। और इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है दोस्तों मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10वीं पास। साथ ही साथ दोस्तों आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों, वैकेंसी नंबर 9 है EBR की, इसमें दोस्तों आपका पे स्केल होगा 18,000 से लेके 56,900। और इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है दोस्तों 10वीं पास। साथ ही साथ आपको दोस्तों सभी कैनवेक्स वस्त्र
चमड़ा मरम्मत तथा उपकरण और बूट के रिप्लेसमेंट को करने में आपको सक्षम होना चाहिए। दोस्तों वैकेंसी नंबर 10 है ग्रूम की, इसमें दो पोस्ट हैं दोस्तों, और इसमें भी आपका पे स्केल सेम होगा यानी कि 18,000 से लेकर 56,900 होगा। दोस्तों इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है 10वीं पास। आपको दोस्तों ग्रूम के कार्य में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों वैकेंसी नंबर 11 है लेबोरेटरी अटेंडेंट की, इसमें केवल एक ही वैकेंसी दोस्तों। आपका पे स्केल होगा 18,000 से लेकर 56,900, और इस पोस्ट के लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन रखी गई है मेट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास, और 10वीं में दोस्तों आपका साइंस एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना जरूरी है। दोस्तों वैकेंसी नंबर 12 है लाइब्रेरी अटेंडेंट की, इसमें एक वैकेंसी है दोस्तों। वैकेंसी नंबर 13 है मसालची की, इसमें दो वैकेंसी है दोस्तों। वैकेंसी नंबर 14 है एमटीएस चौकीदार की, चौकीदार में दोस्तों 11 वैकेंसी है। और वैकेंसी नंबर 15 है एमटीएस गार्डनर की यानी कि माली की, इसमें 3 वैकेंसी है दोस्तों। इन सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है 10वीं पास केवल। दोस्तों वैकेंसी नंबर 16 है एमटीएस सफाई वाला की, और इसमें 11 वैकेंसी है दोस्तों। वैकेंसी नंबर 17 है एमटीएस मैसेंजर की, इसमें केवल एक ही वैकेंसी है दोस्तों। इन दोनों पोस्ट के लिए पे स्केल है 18,000 से लेकर 56,900, और इन दोनों पोस्ट के लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की 10वीं पास। दोस्तों वैकेंसी नंबर 18 है फोटो स्टेट ऑपरेटर की, इसमें केवल एक ही पोस्ट है दोस्तों। इसमें आपका पे स्केल होगा 19,900 से लेकर 63,200। इस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है 10वीं पास, साथ ही साथ दोस्तों आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों वैकेंसी नंबर 19 है सैनिटरी ओवरसियर की, इसमें एक वैकेंसी है दोस्तों, और इसमें भी आपका पे स्केल होगा 18,000 से लेकर 56,900। इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट की 10वीं पास तथा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों वैकेंसी नंबर 20 है स्टोर मैन की, इसमें एक वैकेंसी है दोस्तों। इसमें आपका पे स्केल होगा 18,000 से लेकर 56,900, और इसमें दोस्तों 10वीं पास होना चाहिए कैंडिडेट और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों स्टोर कीपर का, स्टोर मैन का। वैकेंसी नंबर 21 है दोस्तों सुपरवाइजर प्रिंटिंग प्रेस की, इसमें केवल एक ही वैकेंसी है दोस्तों। इसमें आपका पे स्केल होगा 25,500 से लेके 81,100। इसमें 12वीं पास होना चाहिए दोस्तों, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि कैंडिडेट 12वीं पास होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों। वैकेंसी नंबर 22 है टेलर की, टेलर में एक ही वैकेंसी है दोस्तों। टेलर का पे स्केल होगा 18,000 से लेके 56,900, और इसमें दोस्तों कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दोस्तों वैकेंसी नंबर 23 है वाशरमैन की, और इसमें केवल 2 वैकेंसी है दोस्तों। इसमें आपका पे स्केल होगा 18,000 से लेके 56,900। इस पोस्ट में दोस्तों कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, और आपको दोस्तों कपड़ा धुलाई का अच्छा नॉलेज होना है। दोस्तों जैसे बताया कि इस भर्ती के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है दोस्तों, इसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, ये फॉर्म भर के आपको अप्लाई करना है। और जहाँ तक लोकेशंस की बात है दोस्तों, तो इसका लोकेशन है गया बिहार, यानी कि ऑल इंडिया से दोस्तों आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक इस भर्ती के लिए आयु सीमा की बात है, तो इसमें दोस्तों 18 साल से 25 साल तथा 18 साल से 27 साल तक एज लिमिट है दोस्तों। जहाँ तक एज रिलैक्सेशन की बात है, तो एससी एसटी को 5 साल का है, ओबीसी को 3 साल का है, तथा पीएस कैंडिडेट को दोस्तों 10 साल का एज रिलैक्सेशन है दोस्तों। जहाँ तक लास्ट डेट की बात है दोस्तों, तो इसकी लास्ट डेट है दोस्तों 45 दिन, यानी कि रोजगार समाचार में प्रकाशित होने के 45 दिन के अंदर दोस्तों आपकी एप्लीकेशन मिल जानी चाहिए दोस्तों। और ये जो न्यूज है दोस्तों, ये जो एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, ये रोजगार समाचार 19 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर 2020 वाले रोजगार समाचार में प्रकाशित हुआ है दोस्तों। इसके हिसाब से आप 45 दिन कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। इस भर्ती का नोटिफिकेशन इंग्लिश वाले एम्प्लॉयमेंट न्यूज में भी हो रखा है दोस्तों, और हिंदी रोजगार समाचार में दोस्तों ये प्रकाशित हो रखा है। इंग्लिश वाले एम्प्लॉयमेंट न्यूज में दोस्तों ये पेज नंबर 18 में है, और रोजगार समाचार यानी कि हिंदी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में दोस्तों ये पेज नंबर 28 में इसका डिटेल दे रखा है। तो दोस्तों ये था शॉर्ट डिटेल इस भर्ती कर, इनकेस आप इस भर्ती में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसकी जनरल कंडीशन तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच।